शून्य जिसे कहते हैं ना, बॉटल से निकल आया है। विपक्षी गठबंधन के कई नेता सीधे तौर पर जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्तार पर गंभीर आरोप लगाने वाले कई परिवारों के लोग दूसरी तरफ इसे न्याय बता रहे हैं। हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है बकायदा, इस रिपोर्ट को देखिए और आप समझ जाएंगे कि इस वक्त मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ न्याय, ये दोनों ही नैरेटिव सीधे तौर पर लोगों के मन। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। बांदा से लेकर पूर्वांचल के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। गाजीपुर मऊ बांदा धारा 144 भी लगा दी गई है। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। हालांकि विपक्ष मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। हाल में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर मुख्तार की संस्थानिक हत्या का आरोप लगाया और SC से पूरे मामले की जांच की मांग की। जब उन्होंने शंका जाहिर की थी कि मुख्तार अंसारी जी ने कि हमें जेल में झर दिया गया, उसके बाद न्यायालय के आदेश का पालन आपने क्या किया? आपने कहा कि जांच हुई, जांच में नॉर्मल आया। मैं एक बात कहूंगा कि मैंने तो सीधा कहा कि एक जांच हो हाईकोर्ट के द्वारा। SP नेता अमीक जामीज और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाते हुए सरकार से जांच करने की मांग की है। अभी दो दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुलजिम साबित होने हैं। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत की वजह स्लो पॉइजन को बताया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। जांच का विषय है, जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इंसाफ। वहीं विपक्षी गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मुख्तार अंसारी ने पहले ही जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, इसके बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और उनके इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो मुख्तार अंसारी की मौत को राहत के तौर पर देख रहा है। कृष्णानंद राय के भतीजे ने जहां इसे इंसाफ बताया और कहा कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वहीं एक और पीड़ित ने देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिलने की बात कही। मऊ में उनके पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कह सकते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब ये मैं घटना सुना तो कह सकती कि मेरे आत्मा अस्तृप्त हो गया। रमजान के महीने में ही हम लोगों को न्याय मिला है, भगवान के द्वारा न्याय मिला। 8 से 10 यादव बंधुओं के उन्होंने हत्या करवाई थी उस मऊ दंगे में, तमाम तरह से एकदम तांडव एकदम किया था। उसके बाद ही 1-2 महीने के बाद ही विधायक जी की हत्या भी करवा दी। उससे अपराधी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने रसूख पे सरकार के बल पे लोगों से धन वसूली, हत्या, अपहरण, यही कार्य था। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारे लोगों, जितने लोगों को उसने हत्या करी, सारे परिवार के लोग आज बहुत खुश होंगे। अपराधियों का हसरा ऐसा ही होता है। यह तो होना ही था, हम ईश्वरीय न्याय के भरोसे तो थे ही पूरी तरह,
लेकिन नीचे वाले भी एक भगवान नीचे भी बैठते हैं जो न्यायालय में भगवान कहे जाते हैं, उनसे भी न्याय की पूरी उम्मीद थी और उसमें न्याय आती उससे पहले ही भगवान भी ऊपर वाले भगवान का न्याय आ गया, उसके लिए हम ऊपर वाले भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ विकास पिछले 14 साल से लड़ रहे थे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद 14 साल में पहली बार उन्होंने अपने पिता की तस्वीर पर माला चढ़ाई। ये रिपोर्ट आपने देखी और आप समझ गए होंगे कि कहां से लेकर कहां तक का सफर मुख्तार अंसारी और उनके सताए हुए लोगों का हुआ है। लेकिन अभी जो अपडेट है वो ये है, पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और अब एक वाहन जो है मुख्तार अंसारी के शव को लेकर बांदा से गाजीपुर की तरफ निकल पड़ा है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बाकायदा जो पैतृक कब्रिस्तान है मुख्तार अंसारी के परिवार का, वहां पर दफनाने का इंतज़ाम जो है वो शुरू हो चुका है। अमित सिंह बांदा से अब उसी तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आनंद तिवारी वहीं पर कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर कब्र तैयार की जा रही है। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है जैसा आप बता रहे थे आनंद के, एक शख्स जो कानून की नज़र में अपराधी है उम्र कैद की सज़ा काट रहा है लेकिन उसके गाँव में उसका चेहरा बिल्कुल अलहदा होता है, रॉबिन हुड की तरह, क्योंकि गरीबों की मदद कर देता है भाई, भतेरा पैसा होता है, किसी ने आकर कुछ प्रार्थना की तो वो प्रार्थना उसकी मांग ली जाती है। तो फिर उस दुर्दांत अपराधी को आप फरिश्ते की नज़र से देखने लगते हैं। गाजीपुर में मेरे ख्याल से और खासकर मोहम्मदाबाद में यही होता हुआ जो आप बता रहे थे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या अलग अलग गाँव से लोग वहाँ पर आ रहे हैं या पुलिस के इंतजाम ऐसे हैं कि वहाँ पर भीड़ आने ना पाए? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं कानून व्यवस्था के मद्देनजर। जो पुलिस कप्तान है वो डेरा जमाए हुए हैं, जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है, वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज पढ़ने आ गया था, अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीज़ें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है, देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ अभी। जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। और दूसरी चीज़, जिस तरह से तमाम घटनाक्रम चेंज हो रहा है जब से यह चीज़ आई है कि उनको गाड़ी का अरेस्ट आया है, उसके बाद से मायावती हो, तमाम लीडर्स जो ट्वीट कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज़ देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ये जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। जांच को लेकर क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से स्लो पॉइजन और तमाम तरह की बातें की जा रही हूँ मैं। एक दो दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। इसके बाद शक नहीं है, यकीन है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। अभी वापस मॉर्चरी जा रहे हैं जी। उमर अंसारी को आप सुन रहे थे, स्वाभाविक मौत नहीं, ये एक हत्या है। उमर अंसारी ये कह रहे थे कि देखिए, जो वक्त मुकर्रर था उस वक्त पर पिता की मौत हो गई, लेकिन ये आशंका नहीं है, हमें यकीन है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। एक दो दिन बीत जाएंगे उसके बाद हम न्यायपालिका का रुख करने वाले हैं, हम बकायदा अपनी लीगल टीम से इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कुछ देर पहले ली गई ये लिया गया बयान है, क्योंकि ये जुमे की नमाज के लिए जा चुके थे और उस वक्त तो जो है वो पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ था। हमारे रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं, अमित आप एक बार बता दीजिए, क्योंकि ये जो बयान है उमर अंसारी का, ये मेरे ख्याल से कुछ देर पहले का, जब वो कह रहे हैं कि नहीं अभी तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ, मैं तो जुमे की नमाज के लिए चला गया था, अब तो लगभग 2:30 बजने को है। देखिए रूबिका, जो ये बयान अभी उमर अंसारी का आया है जिसमें उमर अंसारी कह रहे हैं कि डीएम बांदा को फैसला लेना है, दरअसल वो नवाज के पहले की ये बयान है। यहाँ से हमारे सामने उमर अंसारी यहाँ से निकले था और अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि उमर अंसारी यहाँ से मस्जिद के लिए निकले थे, हम भी देखने के लिए जा रहे हैं कि कौन से मस्जिद में वो गए हुए हैं, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, किसी और मस्जिद में वो थे। तो जाहिर तौर पर उस वक्त की ये बात है, जो न्यायिक जाँच
आदेश डीएम बांदा की तरफ से आए हैं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि एक महीने के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट पेश करनी है, पूरी जांच कर लेनी है। दूसरी तरफ ये भी खबरें यहां से निकलकर सामने आई है, ठीक पोस्टमार्टम हाउस एक बार फिर से मैं पहुंच गया हूं और पोस्टमार्टम हाउस से निकलकर सामने आई है कि विसरा प्रिजर्व किया गया है, पोस्टमार्टम हो चुका है। और सुबह जो पंचनामे की जो खबरें थी कि उमर अंसारी जो पोस्टमार्टम से पहले की जो प्रोसेस होता है रूबिका, जिसमें उमर अंसारी ने पंचनामा किया, मुख्तार अंसारी के दो भतीजे थे, चचेरे भतीजे, उन्होंने पंचनामा का प्रोसेस किया है। उसके अलावा जो मुख्तार अंसारी का ड्राइवर है उसने सिग्नेचर्स किए हैं और मुख्तार अंसारी के एक वकील प्रेजेंट है, उन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं। पांच डॉक्टरों के पैनल यहां पर पहुंचा था और पांच डॉक्टरों के पैनल जो है सुबह 10:30 बजे से पहले जो है वो यहां पर पहुंच चुके थे, वीडियोग्राफी हुई है। तो ये बयान जाहिर तौर पे पंचनामे के बाद का है, जब वो मस्जिद की तरफ रुख कर लिए थे, लेकिन हालांकि जब इस तरीके का बयान हो चुके हैं ना, जैसे मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि अब न्यायिक जांच होगी और रिपोर्ट जो है महीने भर के अंदर सौंपी जाएगी। विसरा रिपोर्ट जिसका बार बार, विसरा का मतलब आप समझ लीजिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो आप क्या करते हैं कि पूरी जो बॉडी है उसके अंगों को एग्जामिन करते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी उसी साबुत रूप में दे दी जाती है। लेकिन अगर विसरा इकट्ठा करना है जिसकी रिपोर्ट के लिए आपको डिटेल जांच होती है और उसके बाद वो रिपोर्ट आती है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। विसरा मतलब ये होता है कि लंग का थोड़ा सा टुकड़ा, हार्ट का थोड़ा सा टुकड़ा, आपका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उसके थोड़े से टुकड़े, एक्सक्रीटा के थोड़े से जो टुकड़े हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर उसे रख दिया जाता है और फिर उसके ऊपर जांच होती है और उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई जहर का अंश है, आखिरी बार क्या खाया था, किस तरीके का खान पान था, वो सारी चीज़ें उन छोटे छोटे जो ऑर्गन्स के टुकड़े लिए होते हैं उससे सब डिटेल पता लग जाती है। और इस केस में विसरा रिपोर्ट के लिए कह दिया गया है, यानी सब कुछ पता लग जाएगा, जो आशंका परिवार की है वो भी, और जो बार बार अस्पताल के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, मेडिकल बुलेटिन में निकला है वो भी। हम आपको एक आखिरी जो बातचीत थी मुख्तार अंसारी की और उनके बेटे की, वो बातचीत फोन पर जो दोनों की हुई थी, बाप बेटे की, वो बताना और सुनाना चाहती हूँ, सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। हाँ पापा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डाली बाग वाली को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन, चार दिन, पाँच दिन आओ ताकि हम उठ हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज़ सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। तो उनकी बहू और उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे के बीच में ये बातचीत हुई थी। बहुत सी बातें उस तरफ से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लेकिन आखिरी कुछ लाइनें आपने सुनी होंगी कि हम कल आपसे मिलने आएंगे, दारोगा अंकल मऊ के जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिलने का वक्त मिल जाए। फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, तबीयत ख़राब है, लेकिन 2-4 दिन में ठीक हो जाऊँगा, तब मुझसे मिलने आना। इस बीच सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने मुख्तार अंसारी की हत्या का आरोप लगा दिया है और मसूद ये दावा कर रहे हैं कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या की गई थी, क्योंकि 19 मार्च को मुख्तार अंसारी ने जेल से चिट्ठी लिखकर जहर देने का दावा किया था। एक के बाद